दोस्तों आज से है ना लगभग 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले भाई मैंने कॉस्मिक बाइट ब्रांड के ना या CBG के 18 गेमिंग कीबोर्ड का जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो चैनल पर डाला था। और उस समय इसको यूज़ करते करते है ना भाई मुझे लगभग 1 महीना हो चुका था, यानी इस समय ना लगभग 2 महीने होने वाले हैं इसको यूज़ करते करते। वैसे मैंने इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में बताया था कि भाई इसकी है ना स्पेस बार की मेरे मुझे कुछ इशूज़ देखने को मिले हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। उसका जो लिंक है वो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आई बटन भी मिल जाएगा। बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भाई आज के टाइम में CBG के 16 CBG के 18 फिर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कंपनी ने जो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली थी कि जिन जिनको ये इशूज़ आ रहा है स्पेस बार कीज़ में या स्टेबलाइजर वाला बेसिकली उनको रिप्लेसमेंट स्पेस बार की जो है वो भिजवा देंगे अगर वो उसकी एक वीडियो क्लिप बना करके उनको भेजते हैं, तो क्या उस रिप्लेसमेंट की से जो इशू है वो रिजोल्व हो जाता है नहीं होता या अगेन वो इशू चलता रहता है। तो भाई इन सभी सवालों के जवाब है ना आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर है ना मेरे पास इसी कीबोर्ड की भाई दो स्पेस बार कीज़ रखी हैं, दो स्पेस बार की कैप्स रखी हैं और एक रिप्लेसमेंट वाली है। और जो रिप्लेसमेंट वाली की कैप है ना भाई ये थोड़ी सी अलग है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और क्या इससे भाई जो इशू है ना वो रिजोल्व हुआ नहीं हुआ, क्या आपको आज के टाइम में बेसिकली CBG के 16 जो है कॉस्मिक बाइट का है, CBG के 18 जो है रेड स्विच वाला वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और भी अगर आप कॉस्मिक बाइट का है ना कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हैं आज के टाइम में, तो भाई आप किस टाइप के आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना भाई वो सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। और हाँ भाई अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो एक तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी की अभी और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको इसी तरीके से गेमिंग पेरिफेरल्स की या कुछ और PC कंपोनेंट्स की जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेट में है ना इन्होंने भाई जो स्पेस बार की ऐप है ना रिप्लेसमेंट वाली वो मुझे सेंड करी थी। आज से लगभग 10-11 दिन हो चुके हैं, 22 मई को है ना जब मैंने ये कॉस्मिक बाइट के CBG के 18 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो चैनल पर डाली थी, उसी दिन है ना रात को मैंने इनको ईमेल कर दिया था अपने कीबोर्ड के इस इशू के बारे में। और लगभग है ना 7 दिन का कन्वर्सेशन हमारा चलता रहा बाय मेल। और 29 मई को है ना भाई मुझे इनका ईमेल रिसीव होता है कि ठीक है आप एक काम कीजिए अपने एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, हम आपको जो स्पेस बार की रिप्लेसमेंट है ना उसकी शिपमेंट अरेंज कर देंगे। तो भाई लगभग 3-4 दिन लग गए मेरे पास ही आने में स्पेस बार की का रिप्लेसमेंट। बीच बीच में थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुई थी यार, और या सही बताऊँ ना मतलब जितनी भी ब्रांड्स हैं ना भाई उनके जो आफ्टर सेल सर्विस है ना कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है यार, तो उसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करना नहीं चाहूँगा ज़बरदस्ती का कि भाई बेकार सर्विस है या ज़्यादा अच्छी सर्विस तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, ठीक ठीक एवरेज सर्विस बोलूँगा यार। एटलीस्ट रिप्लेसमेंट जो है ना मिल गई 7-8 दिन बाद। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो नए वाला स्पेस बार किया ना यार हमें ये देखने को मिल जाता है, और जो पुराने वाला था ना वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था। आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये इशू जो है ना भाई इस नए वाली की को लगाने के बाद है ना रिजोल्व हो चुका है। 10 दिन से मैं इस नई वाली स्पेस बार की को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक तो भाई फिलहाल कोई इशू नहीं देखने को मिला जो मुझे पहले देखने को मिल रहा था। मतलब जो सीसो इशू था ना स्पेस बार कीज़ को अगर हम साइड से प्रेस करते थे तो एक दूसरी साइड से है ना मतलब की ऊपर उठ जाता था, और इवन कई बार तो है ना स्पेस बार की अटक ही जाता था, मतलब नीचे दब जाता था वापस ऊपर नहीं आता था। तो कुछ इस टाइप के इशूज़ है ना जो मुझे देखने को मिल रहे थे पुराने वाली स्पेस बार की में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई जो स्टेबलाइजर्स होते हैं ना इनकी ज़रूरत भाई आपको पता ही होगा, जितनी भी लॉन्ग कीज़ होती है ना जनरली उन्हीं में पड़ती है ऑब्वियस यार, क्योंकि जो मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं ना उनमें जो स्विच होता है ना की स्विच जो होता है वो सभी कीज़ के मिडल में रहता है, और ऐसे में स्पेस बार जैसी लॉन्ग कीज़ जो होती हैं अब क्योंकि मिडल में एक ही की स्विच रहेगा तो ऑब्वियस है सीसो वाला इशू जो है भाई वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर साइड में ना स्टेबलाइजर हमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब डमी स्विचेस में बोल सकता हूँ कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर लगे रहते हैं की स्विच के साइड में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत है ना स्टेबलाइज होने लग जाता है जो की कैप होता है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होने लग जाता है। और भाई क्योंकि जो CBG के 16 या CBG के 18 कीबोर्ड है ना कॉस्मिक बाइट ब्रांड का, यहाँ पर भाई क्वालिटी कंट्रोल में साफ साफ डिफेक्ट दिख जाता है। और भाई आई थिंक यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से है ना उन्होंने सारा का सारा जो CBG के 16 CBG के 18 वाला स्टॉक है ना पिछले काफ़ी टाइम से है ना अमेजन से हटा लिया है, और जब तक आई थिंक ये उसको ठीक भी करेंगे ना तभी वो वापस स्टॉक में लेकर के आएंगे अमेजन में, अदरवाइज अमेजन में काफ़ी ज़्यादा रिप्लेसमेंट्स आने लग जाएंगे तो भाई इनके अमेजन रेटिंग्स भी डाउन चली जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल ये नहीं मिल रहा है, बट आई थिंक आप इसको ले सकते हो। अभी मैं पिछले 10-12 दिन से भाई ये जो नई वाली स्पेस बार की रिप्लेसमेंट वाली जो की है ना यही यूज़ कर रहा हूँ, इसको लगाने के बाद मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला इस कीबोर्ड में। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई इसी प्राइस रेंज में कोई और बेटर गेमिंग कीबोर्ड अवेलेबल है ना मार्केट में, जैसे कि रेडगियर का शैडो ब्लेड हो गया या इवन मेरे पास कुछ और गेमिंग कीबोर्ड्स भी रखे हैं जो मैंने रिव्यू के लिए मंगवा रखे थे, और बहुत जल्द है ना इसी प्राइस रेंज के आसपास आपको काफ़ी और गेमिंग कीबोर्ड्स का भी अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो चैनल पर देखने को मिलने वाला है, तो आप उनके लिए वेट कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते। फिलहाल तो भाई अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही। तो बस भाई एक छोटी सी अपडेट देनी थी यार इस कीबोर्ड के बारे में इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके लिए भाई जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।